लाली फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से नेशनल कोऑर्डिनेटर मुस्कान कोहली की अध्यक्षता में पठानकोट शहर के शहीद मक्खन सिंह सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार लगाया गया और स्कूल की छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस सेमिनार के प्रति जानकारी देते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर मुस्कान कोहली ने बताया कि विधायक अमित विज व उनकी पत्नी गीतिका विज के प्रयासों से इस तरह के सेमिनार का आयोजन हो पाया है। स्कूल प्रिंसिपल भूपिंदर कौर ने लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट और नेशनल कोऑर्डिनेटर मुस्कान कोहली का आभार जताया है। किसी भी तरीके की क्या चीज बोलना, क्या है सिंपल करना, क्या होता है जोर से आप लोगों को रेप हो गया, फिजिकली किसी को सेक्सुअली हरास करा गया इतना कि वो रेप तक पहुंच गया, दैट इज वन थिंग, बट उसमें वर्बल भी थी। वर्बल कैसे थी, कितनी हद तक था कि वो एक टाइम के बाद वो अपने आपसे घिन खान लग गई, उसको समझ नहीं आता मार। एक रीजन, जल्दी जल्दी गर्ल्स मुझे पता है तुम लोग क्यों होता है, क्यों होता है बच्चे जोर से बोल, क्यों होता है बोलो बोलो, कोई बात नहीं बोलो, आप ही बोल रहे थे और कोई, सिर्फ एक ही लड़की है जिसको मुस्कान कोहली है और मैं लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट हूँ जो पैन इंडिया प्रेजेंस है। हम लोग यहाँ पे श्री मिस्टर एमएलए जो अमित विज और स्पेशली उनकी वाइफ गीतिका विज, उनकी वजह से उन्होंने इनिशिएट करवाए ये सेमिनार्स यहाँ पर। और ये सेमिनार्स बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट, गुड टच बैड टच, मेंस्ट्रुएशन एंड अदर विमेन रिलेटेड इशूज़ के बारे में। और इसके बाद मतलब हम बेसिकली चाहते हैं कि जितनी भी स्पेशली गर्ल्स कॉलेजेस हैं उनके ये अवेयरनेस हो, पता चले कि ये कितना प्रेवलेंट है आजकल के टाइम पे और कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है। स्पेशली गीतिका मैम एंड अमित सर की वजह से ही वो चाहते थे कि ऐसे सेमिनार्स यहाँ शुरू हो, बिकॉज दिल्ली में ऑलरेडी है, हम लोग यूपी देहरादून हो चुके हैं ऐसी चीज़ें, तो अभी पठानकोट में पहला सेमिनार है और यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। थैंक यू। सेमिनार में क्या मैसेज दिया जा रहा है? इस बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट, कैसे आप लोग अपनी सेफ्टी के खुद कैसे बन सकते, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकते इस बारे में, और कैसे उस सेफ्टी को किस चीज़ों से अवॉइड करा जा सकता है, किन चीज़ों से आप रोक सकते हैं इन सब चीज़ों को, और क्या छोटी चीज़ें छोटी बातें जिनको ध्यान में देते हुए हम लोग इजिली इस सोसाइटी को एट अ बेटर लेवल वर्क कर सकते हैं। बच्चों की ओर से किस प्रकार का रिस्पॉन्स? बहुत अच्छा है, उनको कुछ चीज़ें ऑलरेडी पता हैं, कुछ चीज़ें उनको पता लग के वो सोच रहे हैं कि हाँ हमने शायद ये चीज़ नज़रअंदाज की थी लेकिन अब नहीं, अब चीज़ें हम चेंज करेंगे, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन हाँ दे नो कुछ बहुत सारी चीज़ें जो उनको ऑलरेडी पता है जिनके बारे में वो बात कर पा रहे हैं। इसमें टीम वर्क काम करोगे जाओ अकेले जाओ? अभी के लिए एज अभी मैं इंडिविजुअल प्रेजेंस है मेरी यहाँ पे, अमित सर और गीतिका मैम तो है ही है, उनका एज अ टीम वो कर ही रहे हैं इसको इनिशिएट। आगे फर्दर हम इसकी टीम एक करेंगे यहाँ पे एज लाडली फाउंडेशन जो पठानकोट का एक सेक्टर बन जाएगा, और वो फर्दर इसमें कंटिन्यूटली काम करते रहेंगे अलग अलग इशूज पे। जो भी आज सेमिनार लगाया गया लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा लाहेवंद है, क्योंकि बहुत सारिया गर्ल्स जड़िया उन्होंने बहुत छोटे छोटे इशूज जड़े इन्होंने डिस्कस किए ने उसके बारे नहीं पता, तो आज इन्होंने खुल के सारे इशूज डिस्कस किए ने, बच्चों ने इन्होंने खुल के गल की, क्योंकि मोस्टली टीचर्स जिते प्रेजेंट नहीं सके, इस करके जो ट्रस्ट के चेयरमैन है मैडम मुस्कान उन्होंने नाल बच्चों ने खुल के गल्ला कीतिया ने और एक एक नुकते उन्होंने समझा, क्योंकि साड़ी जिहड़े राजसी MLA साहब ने उहदे शामिल ने, उन्होंने मिस शामिल ने, बहुत अच्छा प्रयास है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी लाहेवंद होएगा बच्चियों को।